सीरियल उडारियां की बात करें तो शो के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप कई बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं, तो वहीं आपको बता दें कि जब फतेह तेजो को लेने के लिए पहुंचता है रेस्टोरेंट में जहां पर जैस्मीन और गिप्पी पहले से होते हैं, अब जब फतेह को देखती है जैस्मीन तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने फतेह आ रहा है। लेकिन फतेह तो यहाँ पर तेजो के लिए आया था, तेजो को लेने के लिए। अब जो है फतेह आता है, फिर तेजो को कहता है कि तेजो चलो अब घर चलते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दें कि जैस्मीन चाह रही थी फतेह से बात करना, लेकिन यहाँ पर फतेह जैस्मीन को बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर करता है। जी हाँ, फतेह इग्नोर करता है। फिर दोनों बाइक पर बैठते यानी कि तेजो और फतेह, और दोनों बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। जैस्मीन को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैस्मीन गिप्पी के कार में बैठी हुई है और वो खुद ड्राइव कर रही है, और इधर जो है तेजो और साथ ही साथ फतेह एक साथ बाइक पर बैठे हुए हैं और गप मारते हुए हंसते हुए जा रहे हैं। अब जैस्मीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैस्मीन मन ही मन सोच रही है कि ये जो जगह जहाँ पर तेजो बैठी है, ये जगह मेरी होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी नहीं होना चाहिए। और इतने गुस्से में जैस्मीन आ जाती है कि वो अपना आपा खो देती है, और उधर से तेजो और फतेह बाइक से आ रहे थे, उन्हें धक्का लग जाता है। जी हाँ, जैस्मीन की गाड़ी से तेजो और फतेह को पीछे से धक्का लगता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं, वो लोग बाइक से नीचे गिर जाते हैं। दोनों को बहुत चोट आती है। जैस्मीन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जैस्मीन एक पल के लिए अपना आपा खोई थी और उसी एक पल में एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट होने के बाद गिप्पी जो है वो जैस्मीन को बहुत ही डांटता हुआ दिखाई देगा और कहेगा ये तुमने क्या कर दिया। जैस्मीन भी बहुत डर जाएगी। यहाँ पर फतेह और तेजो को बहुत चोट आई होगी। देखना दिलचस्प ये होता है कि फतेह जो है अब जैस्मीन को क्या जवाब देता है, क्योंकि जैस्मीन ने ये जो किया है ये माफी लायक नहीं है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।